हजार आए प्रदेश अध्यक्ष का पास है ये कांग्रेस पार्टी के, ये 3500 रुपये का पास मेरा 24 तारीख का ये लिया गया है। पहले ये निःशुल्क बनता था काशी में, जब से मोदी जी आए हैं तब से 3500 रुपया लिया जा रहा है और ये मोदी जी का टैक्स लगाया जा रहा है, ये मोदी टैक्स है जो काशीवासियों से वसूला जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस, अगर उनके ऊपर ये उनकी गाड़ी पर या उनके ऊपर ये चप्पल चलाया जाता है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ये विपक्ष की चाल नहीं है, कोई आदमी नाराज होगा? किसानों को कौन सी सौगात दिया भाई? कोई बनारस के लोगों को स्पेशल पैकेज दिया क्या? वो तो पुरानी किसान निधि आप देते चले आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे, किसानों को सौगात दिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, गंगा आरती देखी। किसानों को कौन सी सौगात दिया भाई? कोई बनारस के लोगों को स्पेशल पैकेज दिया क्या? वो तो पुरानी किसान निधि आप देते चले आ रहे हैं, उसको आपने काशी के लोगों पर एहसान कर दिया है कि क्या, कि पूरे देश के किसान को आप दे रहे हैं और लगातार कई साल से दे रहे हैं, उसकी किस्त आपने जारी किया, उसका चयन आपने बनारस को कर लिया, तो बनारस में आके किसानों को स्पेशल पैकेज दीजिए। कुछ कल कारखाने घोषणा करना चाहिए था कि भाई बड़े अडानी के कारखाने आ रहे हैं, अडानी अंबानी यहाँ लगाएंगे बड़े कारखाने। केवल जन्मदिन मनाने के लिए अडानी अंबानी की पत्नी आई थी, चली गई मना के जन्मदिन, कोई काम तो नहीं दिया, कोई कल कारखाने तो नहीं लगे, यहाँ के लोग खाली छुछिया रह गए। और गंगा जी में भी आ गए तो अपने ऊपर गुलाब का बरसा करा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल आत्ममुग्धता की बात है, इवेंट की बात है, जनता के जो साथ खड़े होने की बात इनके साथ नहीं। अच्छा, उनके काफिले पर चप्पल फेंकने के बाद वीडियो एक वायरल हो रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष निश्चित तौर से इसकी निंदा मैं करता हूँ। ये देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस, अगर उनके ऊपर ये उनकी गाड़ी पर या उनके ऊपर ये चप्पल चलाया जाता है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ये विपक्ष की चाल नहीं है, कोई आदमी नाराज होगा? तमाम ऐसे 10 साल आप आए, कभी कोई आपके ऊपर कोई चप्पल जूता नहीं चला, किसी ने आपको अपमानजनक शब्द नहीं इस्तेमाल किए, इस बार से इसी स्थिति क्या है? तो मैंने पहले भी कहा ना कि अब मोदी जी का बनारस में पानी उतर गया लो। अच्छा, यूपी में विधानसभा के 10 सीटों पर चुनाव होना है, क्या लगता है गठबंधन जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है उस पर? वो निश्चित तौर से सब लोग मजबूती के साथ मिलकर लड़े हैं और मिलकर आगे लड़ेंगे। अच्छा, सपा की तरफ से ये भी बातें सामने आ रही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में अगर सीट देंगे तब आगे इस पर बात होगी। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उस पर निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम। अच्छा, आप दर्शन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन का कोई दैनिक पास की बात कर रहे थे आप, जिसपे चार्ज लगाया जा रहा है, ये है ना दैनिक पास, ये आपके सामने ही है। आप ये देखिए, ये पहले काशीवासियों को निःशुल्क बनता था, अब ये देखिए 3500 रुपये का ये पास जो बना है मेरा ना, ये मेरा पास है खुद का, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष का पास है ये कांग्रेस पार्टी के, ये 3500 रुपये का पास मेरा 24 तारीख का ये लिया गया है। पहले ये निःशुल्क बनता था काशी में, जब से मोदी जी आए हैं तब से 3500 रुपया लिया जा रहा है और ये मोदी जी का टैक्स लगाया जा रहा है, ये मोदी टैक्स है जो काशीवासियों से वसूला जा रहा है। ये 3500 सालाना है या महीने? नहीं, सालाना है, एक साल का है। पहले ये सालाना फ्री का पास बनता था काशीवासियों के लिए और द्वार पे उनका सीधे दर्शन होता था, पास लेकर जाते थे। अब ये 3500 रुपये भी कटवा रहे हैं और दर्शन में भी घंटों उनको विलम्ब होता है, दर्शन जल्दी नहीं होती। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिनका तमाम जो कल नरेंद्र मोदी आए थे उनको लेकर हमलावर थे, वहीं जो काशी विश्वनाथ मंदिर में दैनिक दर्शन के लिए जो शुल्क लगता है, जो उस पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। पहले ये शुल्क फ्री था, ये दैनिक पास फ्री में बनता था, लेकिन अब उस पर 3500 रुपये सालाना लग रहा है। वाराणसी से यूपी के लिए सत्यन कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।